बिना लक्षणों वाले लगभग हर पांचवी कोविड रोगियों ने ठीक होने के एक महीने बाद लंबे समय तक कोविड से जुड़ी समस्याओं का अनुभव किया है। अमेरिका में बिना लक्षण वाले कोरोना मरीजों पर फेयर हेल्थ द्वारा किया गया ये अब तक का सबसे बड़ा अध्ययन है। फेयर हेल्थ द्वारा किए गए इस विश्लेषण में 1.96 मिलियन अमेरिकियों के बीमा दावों को शामिल किया गया है। इस अध्ययन में फरवरी 2020 में फरवरी 2021 तक के ऐसे कोरोना मरीजों के बीमा दावों को शामिल किया गया है। FAIR हेल्थ के अध्यक्ष रॉबिन गेल्बर्ट ने कहा है कि कोविड-19 महामारी के कम होने के बावजूद लंबे समय तक ये अमेरिकियों को प्रभावित करने वाला सार्वजनिक स्वास्थ्य के मुद्दों के रूप में देखने को मिला है। हमारे नए अध्ययन में निष्कर्ष उन सभी व्यक्तियों के लिए इस उभरते मुद्दे पर महत्वपूर्ण प्रकाश डालते हैं जिनके पास लंबे समय से कोविड है, साथ ही नीति निर्माताओं, प्रदाताओं, भुगतानकर्ताओं और शोधकर्ताओं के लिए भी। लॉन्ग कोविड मरीजों में उनके ठीक हो जाने के बाद भी समस्याएं 4 सप्ताह से अधिक समय तक बनी रहती हैं। अध्ययन में पाया गया है कि सभी उम्र में सबसे आम पोस्ट वायरल स्थितियां दर्द, सांस लेने में कठिनाई, उच्च कोलेस्ट्रॉल, थकान और हाई ब्लड प्रेशर की थीं। अध्ययन के अनुसार बिना लक्षण वाले कोविड रोगियों में से 19% ने अपने इलाज के 30 दिन बाद लंबे कोविड लक्षणों का अनुभव किया। इस आंकड़े में 27.5% तक बढ़ गया जिसमें कि कोरोना का लक्षण देखने को मिला, लेकिन वो अस्पताल में भर्ती नहीं हुए थे और 50% को अस्पताल में भर्ती थे। लॉन्ग कोविड की स्थिति पुरुषों की तुलना में महिलाओं में ज्यादा देखने को मिली, लेकिन दिल में सूजन की समस्या पुरुषों में आम थी, जो महिलाओं के 48% के मुकाबले पुरुषों में 52% थी। इस मामले में 1/4 हिस्सा 19 से 29 आयु वर्ग का था। कोरोना वायरस और कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।